के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट मशाल चौक नानी दमन, सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं सबसे बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता, लेकिन जब दोस्त ही एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं तो मर्डर जैसे मामले भी सामने आते हैं। जी हाँ, उमरगांव में 2 दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर दिल दहक गया। 2 दोस्तों के बीच में शक के बिना पर एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को, अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट, उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उमरगांव में जो मर्डर केस हुआ है उसी के सिलसिले में आज आइए जानते हैं पूरा ये कहानी क्या है। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। इसके अंदर ऐसा हुआ कि उमरगांव जो पुलिस है उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसके गले पे, हाथ पे और मुंह पे कट लगा हुआ है। तो उमरगांव पुलिस ने उस डेड बॉडी जो अनआइडेंटिफाइड थी उसको लोकल क्राइम ब्रांच SOG और लोकल पुलिस की हेल्प से पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। ये डेड बॉडी लगभग 2 दिन पुरानी थी, मतलब 2 दिन पहले उसका मर्डर हुआ था, उसके बाद वो डेड बॉडी वहाँ पे डाल के चला गया और फिर किसी ने दूसरे ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। मर्डर की कोई वजह पता चली है? इसके अंदर ये दोनों दोस्त है, जो जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम ओम प्रकाश है और जिसने मर्डर किया है वो सत्येंद्र है। सत्येंद्र और ओम प्रकाश दोनों एक ही कंपनी में पहले काम करते थे, दोनों UP के रहने वाले हैं। तो ओम प्रकाश के कहने पे सत्येंद्र की पहले सैलरी घटा दी गई थी और उसके बाद में उसको कंपनी से निकाल दिया था। फिर सैलेंद्र का कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसको डाउट हो रहा था कि ओम प्रकाश उसको मारना चाह रहा था और इस वजह से उसने एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट करवा के थी मर्डर? नहीं, मर्डर इसमें ओम प्रकाश का हुआ है, सत्येंद्र उसको मारने वाला है लेकिन सत्येंद्र का कभी एक्सीडेंट हुआ था तो उसको लगा कि उसका एक्सीडेंट ओम प्रकाश ने करवाया था और वो उसको मारना चाह रहा था उस टाइम। तो उस वजह से उसके मन में ठान लिया कि अब मेरे को ओम प्रकाश को मारना है, उसको हटाना है, मतलब कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मैं इसको मार के ख़त्म करूँगा। कौन से कलम लगे हैं और कितने साल की सजा होगी? इसके अंदर IPC 302 लगा है और इसमें आगे की जांच जारी है। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य कैमरामैन पवन कुमार के साथ वापिस से धन्यवाद। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू बॉय रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, आदिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू बॉय और कहाँ।